देख रहे हैं केवल सच। बांग्लादेशी हिंदू हित संघर्ष समिति के बैनर तले धर्मगंज से निकाली गई आक्रोश रैली। किशनगंज बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से बांग्लादेशी हिंदू हित संघर्ष समिति के बैनर तले धर्मगंज रेलवे गेट के निकट धरना प्रदर्शन किया गया। समिति के सदस्य अधिवक्ता शिशिर कुमार दास ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वहां के हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर संपत्ति पर हमले हो रहे हैं, इसे लेकर भारत में रहने वाले हिंदू समाज के लोग चिंतित और आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक विरोध नहीं बल्कि बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं के प्रति एकजुटता दिखाने का प्रयास है। धरना के पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बांग्लादेशी हिंदू हित संघर्ष समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति को दिए आवेदन में मांग किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हो एवं इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को अन्यायपूर्ण कारावास से मुक्त करें। बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अवमानी अत्याचार अत्यंत चिंताजनक है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम यह है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में एक समुदाय पर सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा, वहाँ की पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, ये उसी के आक्रोश में हम लोग हिंदुस्तानियों के द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इसका प्रयास हम लोग का ये है कि हमारे महामहिम को, हमारे जिला पदाधिकारी द्वारा इस आक्रोश रैली का एक संवाद जाए ताकि वो इस पर इंटरफेयर करें और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेशी पुलिस की मनमानी बंद हो, बांग्लादेश के सेना की मनमानी बंद हो, वहाँ पर अत्याचार जो हो रहा है वो बंद हो और हमारे से बांग्लादेशी हिंदू और ये बांग्ला हिंदू मंदिरों में जो तोड़फाड़ आ रहा है वो जैन और जितने हैं उन लोगों के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए हम लोग अपना आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। शुभ नाम आपका? शिशिर कुमार। केवल हिंदू संगठनों की बात नहीं, हिंदू सनातनियों की बात है और सभी हिंदू सनातनियों को बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए सभी दुखी है, मजमत मिले और भी हमारी सरकार है। इस समय केंद्र सरकार से आग्रह भी करूंगा कि बांग्लादेश को जो पानी हम देते हैं, बिजली देते हैं, यह अविलंब पानी और बिजली को बंद कर देना है और जब तक वहाँ पर हिंदुओं का अत्याचार बंद नहीं करता है तब तक जो हिंदुस्तान से जितनी भी सुविधाएं उसको उपलब्ध कराया जाता है सभी उपलब्धियों को बंद कर देना चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू जो है, मैं सभी कौन को इसमें सम्मिलित करता, 140 करोड़ जो जनता है यहाँ की, इसमें सभी को भाग लेना चाहिए, केवल सनातनियों को ही भाग नहीं लेना चाहिए, ताकि पता चले बांग्लादेश को कि वहाँ के 140 करोड़ हिंदू जो सनातनी है, यहाँ रहने वाले जितने वह भी सनातनी है, यहाँ जब हम लोग सब भाई बहन के रहते हैं, सबको इस पर चिंता करने की जरूरत है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब जो हिंदुस्तान से उसको सुविधा दी जा रही है सभी सुविधाओं को बंद। क्या शुभ नाम हुआ? सिकंदर सिंह। जो आना चाहेंगे 10